हेलो दोस्तों, दिस साइड सी राज। सो आज की रिकॉर्डिंग हमारी एक इनकम टैक्स के अंदर जो आपका अपडेट आया है उसके रिगार्डिंग है। एक सर्कुलर के अंदर आपका एक पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि हमारा 30 अप्रैल को आया था। पॉइंट नंबर डी पे फोकस करूँ। डी के अंदर बताया गया आपको फाइलिंग ऑफ बी रिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 4 एंड रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 5। तो इसमें क्या कंसर्न है, जो कि आप 139 सेक्शन के थ्रू रिटर्न फाइल करते हो, चाहे अपनी रिवाइज रिटर्न की बात करो या बी रिलेटेड रिटर्न की बात करो, बट किस ईयर की बोल रहे हैं वो, असेसमेंट ईयर 2021 की। ओके सो अगर हम बात करें असेसमेंट ईयर 2021, इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये बात कर रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर 1920। ओके तो 1920 की जो ईयर की जो रिटर्न की फाइल करनी होती है, लास्ट डेट होती है वो क्या थी हमारी, सर 31 मार्च 2021। इसको बढ़ा के क्या कर दी गई है, 31 मई। तो एक अपडेट है, आप चाहो तो अपनी रिटर्न को फटाफट फाइल कर सकते हो, जिसकी लास्ट डेट खत्म हो चुकी थी 31 मार्च को, उसको बढ़ा दिया गया आपके इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर। तो आप 19-20 की रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर 19-20 बोलो या फिर असेसमेंट ईयर 20-21 बोलो, बात एक है राइट। तो उसकी रिटर्न आप भर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, या यू कैन फाइल बी रिलेटेड रिटर्न बाय लास्ट डेट क्या है आपकी 31 मई, जो कि 31 मार्च को खत्म हो गई थी डेट, उसको बढ़ा के आप 31 मई कर दी गई है। यू कैन फाइल योर रिटर्न अंडर सेक्शन 4 और 5, ठीक है, जिसे हम बी रिलेटेड या फिर आपका रिवाइज रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो ये अपडेट है, दूसरा अपडेट आपका इसके अंदर है, कुछ सेक्शन है हमारे टीडीएस के, सेक्शन 194 IA। IA सेक्शन होता है आपका टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी सेल आउट करते हो 50 लाख से ऊपर की, तो आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है 1% का, ठीक है। तो इस केस में जो उसकी रिटर्न भरते हो आप, जिसका आपको टीडीएस के अंदर पता होगा, वैसे 24Q 26Q रिटर्न के फॉर्म्स होते हैं, बट कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रिटर्न के फॉर्म अलग से निकाले गए हैं, ठीक है। तो बाकी 24Q 26Q 24Q फॉर द सैलरी, 26Q फॉर द नॉन सैलरी रिटर्न होती है हमारी, बट फॉर्म एज पर द सेक्शन 194 IA इज कंसर्न, इसकी रिटर्न के फॉर्म क्या हमारे 26QB। तो 26QB की डेट जो है वो आपकी नॉर्मली क्या होती है, अपने जिस मंथ टीडीएस काटा उससे अगले मंथ की 30 तक को आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है, ठीक है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में अगर आप 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी बाय करते हो, तो 1% टीडीएस काटना कंपलसरी है, उसको फाइल करना है अगले मंथ की 30 तक। तो जो अगर आपने मार्च में टीडीएस काटा था किसी का, तो उसकी लास्ट डेट क्या होनी चाहिए थी आपकी, सर 30 अप्रैल होनी चाहिए थी, तो उसकी डेट भी बढ़ा के आपकी 31 मई कर दी गई है, ठीक है। सेम विद सेक्शन 194 IB। IB सेक्शन होता है हमारा रेंट पेड बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वो जिनका ऑडिट नहीं होता, ठीक है। तो अगर वो इंडिविजुअल अगर रेंट पे करते हैं 50,000 से ऊपर का पर मंथ, तो वो भी टीडीएस काटेंगे 5%, एंड उनके लिए रिटर्न का फॉर्म कौन सा है हमारा, 26QC, ठीक है। एंड उसके लिए भी सेम है कि जिस मंथ टीडीएस काटोगे उससे अगले मंथ की 30, उससे अगले महीने की 30 तक रिटर्न भरना होता है। सो अगेन डेट को बढ़ा के इसके लिए भी सेम क्या कर दी गई है, 31 मई कर दी गई है। एंड लास्ट 194M सेक्शन, M सेक्शन किसका हमारा, इंडिविजुअल अगर पेमेंट करता है किसी कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट कमीशन के लिए या फिर किसी प्रोफेशनल फीस के लिए, ठीक है, तो उस केस में भी अगर पेमेंट करता है 50 लाख से ऊपर का, तो टीडीएस काटना कंपलसरी है एट द रेट ऑफ 5%, एंड इसका रिटर्न का फॉर्म होगा हमारा 26QD, एंड अगेन डेट 30 अप्रैल होनी चाहिए थी, जिसको बढ़ा के 31 मई कर दी गई है। हाँ, एक अपडेट है आपके पास, 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया आपको, सो नाउ यू कैन फाइल योर रिटर्न्स। अब 26QB, 26QC, 26QD जो कि आपको 30 अप्रैल को फाइल करना था, आप 31 मई तक कर सकते हो। ये तीनों ही फॉर्म में आपका चालान और रिटर्न दोनों इकट्ठे जमा हो जाता है इन सेक्शंस के अंदर, ठीक है। एंडिंग की अगर मैं सर्टिफिकेट की बात करूं, जो कि सर्टिफिकेट्स के फॉर्म होते हैं इन सेक्शंस के लिए, 26QB के लिए फॉर्म 16B, 26QC के लिए फॉर्म 16C, 26QD के लिए फॉर्म 16D। तो ये क्या होता है, जब आप रिटर्न फाइल करते हो विद इन 15 डेज, आप इन सर्टिफिकेट को भी इशू करके हैंड ओवर कर सकते हो। तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे अपडेट्स आपको मेरे मिलते रहे। और कोई भी क्वेरी होती है कि कोई नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर बनाना है, तो प्लीज डू द कमेंट, मैं ट्राई करूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो अपडेट करने का। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो गाइज।